हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया,
जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में, तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने, एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा
ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDB के बारे में। तो IMDB के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जेनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार
हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है
वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब, कहाँ, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था,
मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी।
स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने, एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में।
कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है,
और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब, कहाँ, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था,
मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी।
स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जेनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने, एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में
कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ
इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब, कहां, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था,
मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDB के बारे में। तो IMDB के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी
स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इन्जॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जेनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में,
कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है,
और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब, कहाँ, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था,
मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मींस एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी
स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में।
कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDB के बारे में। तो IMDB के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है
और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब, कहां, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं आईएमडीबी के बारे में। तो आईएमडीबी के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, मींस इस मूवी का जेनर क्या था,
मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ये मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा। आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था। डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर्स शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहां किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई। तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी।
स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है। एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मूवी के डायरेक्टर कौन थे, राइटर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, एडिटिंग को किसने संभाला, म्यूज़िक को किसने संभाला, मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी, मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया, इस मूवी को कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, मूवी की टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, बॉक्स ऑफिस कितना रहा, एंड इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया, एंड सबसे लास्ट में एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अभी यह मूवी कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्पेशली ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड बात करते हैं साल 2011 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म डबल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी की जनर के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी एंड क्राइम स्टोरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में। तो इंद्र कुमार इस मूवी के डायरेक्टर थे। राइटर की बात करें तो स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग को तुषार हिरनदानी ने संभाला था, डायलॉग्स को फरहाद साजिद ने संभाला था। मूवी के प्रोड्यूसर की बात करें तो अशोक ठाकरिया एंड इंद्र कुमार इस मूवी के प्रोड्यूसर थे। अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर कौन कौन से एक्टर शामिल थे। तो मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, आशीष चौधरी, जावेद जाफरी, मलिका शरावत, कंगना रनावत जैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो असीम बजाज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले थे। यहीं हम एडिटिंग की बात करें तो संजय संकला इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी के म्यूज़िक सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला। तो मूवी के सॉन्ग्स को संभाला आनंद राज आनंद ने, एंड बैकग्राउंड स्कोर को संजय वंड्रेकर एंड अतुल रनिंगा ने इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभाला था। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में मारुति पिक्चर शामिल थी। मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रिलायंस एंटरटेनमेंट ने। अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई।
तो ये मूवी 24 जून 2011 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में मूवी लग चुकी थी, आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे। अब बात करते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस के बारे में कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कितना था, ये मूवी हिट थी या फ्लॉप थी। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ था, ये एक एवरेज सी मूवी रही थी। अब बात करते हैं कि इस मूवी को टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी मिली। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट थी, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई। अब बात करते हैं इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक एंड कितने परसेंट तक डिसलाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 73% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग इस मूवी को मिली थी। अब बात करते हैं IMDb के बारे में। तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4 out of 10 की रेटिंग मिली थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लो रेटिंग रही। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशली ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, मूवी YouTube पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को एक OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों को उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के बाद ये मूवी अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग अपने घरों में बैठकर इजीली इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है, एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।